एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर जो भी जातक और जातिका है उन्हें अपना माता का सुख प्राप्त होगा या नहीं, या जो भी और भी सांसारिक सुख होते हैं जैसे जमीन मकान वाहन सुख आदि प्राप्त होंगे कि नहीं, ये देखने के लिए आप अपने कुंडली खोलिए और अपनी कुंडली में चौथे भाव को देखिए। और चौथे भाव का स्वामी और कारक चंद्रमा जितनी अच्छी स्थिति में होगा जातक को उतना अच्छा माता का सुख प्राप्त होगा। इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में अगर जो भी ग्रह बैठे हैं सप्तम भाव में उसके अनुसार आपकी माता का स्वभाव हो सकता है। तो आप देखिए, जैसे कि इस लग्न में देख रहे हैं कि ये मेष लग्न की कुंडली है, आपकी जो भी लग्न की कुंडली हो आप वहां से चौथा भाव देखेंगे। चौथा भाव में अगर शुभ ग्रह है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है तथा वो सौ राशि के उच्च राशि के मित्र राशि में है तो आपका जो है माता का से अच्छा संबंध रहेगा और जो भी सांसारिक सुख है वो आपको अच्छा प्राप्त होगा। आपको सुख शांति रहेगी, मातृ सुख मिलेगा, आपको भूमि वाहन का भी सुख प्राप्त होगा। तो जैसे आप इस कुंडली में देख रहे हैं कि यहाँ पे चार नंबर की जो राशि है बृहस्पति है, उच्च का है यहाँ पे, तो चौथे भाव में बृहस्पति अगर रहेगा तो माता का जो स्वभाव है वो अच्छा रहेगा। माता जो है आपकी धार्मिक स्वभाव की हो सकती है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो ग्रहों के अनुसार अगर चौथे भाव में शुभ ग्रह होते हैं जैसे गुरु बुध चंद्र आदि शुभ ग्रह होते हैं सौ राशि में उच्च राशि के मित्र राशि में होते हैं तो माँ को सुख भी प्राप्त होता है और अन्य दूसरे सुख भी आपको उसी तरह से प्राप्त होते हैं। तो यह स्थान पे जैसे यहाँ पे बृहस्पति बैठा हुआ है तो गुरु जो होने से आपको जो माता है वो धार्मिक स्वभाव की होगी। ऐसे ही मान लो यहाँ पे आपकी कुंडली में शुक्र सौ राशि का उच्च मित्र राशि का बैठा है और पाप प्रभाव में नहीं है तो शुक्र होने से आपकी जो माता है वो तेजस्विनी होगी, बुध होने से बुद्धिमान होगी, अगर यहाँ पे चंद्रमा भी हो चंद्र हो तो वो दयालु होगी, मंगल होगी तो वो भूमि स्वामी होगी, शुभ होगी और आपका पोषण करने वाली होगी, शनि होगी तो धन प्रायण होगी, राहु हो तो राजनीतिक होगी, केतु हो तो सात्विक होगी। तो इस तरह का जो भी ग्रह यहाँ पे बैठा है वो अगर वो अपनी मित्र राशि में सौ राशि का उच्च राशि में होगा तो जो ग्रह बताए गुरु से धार्मिक, शुक्र से तेजस्वी, बुध से बुद्धिमान, चंद्र से दयालु, शनि से धर्मप्राण, राहु से राजनीतिक और केतु से सात्विक, माता होने के योग बना के साथ साथ में आपको सब सुख शांति ओम प्राप्त होगी, भूमि वाहन का भी सुख प्राप्त होगा। इस तरह से आप अपने कुंडली में देख सकते हैं। तो आज हमने सरल तरीके से बताया कि किस तरह अगर आपके सातवें भाव में जो ग्रह बैठता है और उसको और भी बलवान किया जा सकता है, उसके मंत्रों के जाप करना चाहिए। जैसे बृहस्पति है तो आपको गुरु के मंत्र के जाप करना चाहिए, बुध है तो बुध के मंत्रों के ओम बुधाय नमः का पाठ करना चाहिए और ओम गण गणपताय नमः का पाठ करना चाहिए, चंद्रमा है तो वो चंद्रमय नमः का पाठ करना चाहिए। तो जो भी ग्रह है उसके मंत्रों के 108 बार आप पाठ करेंगे तो आपके जो प्रभाव हैं आपको और भी सांसारिक सुख जो मिलना है भूमि वाहन का वो भी प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि सप्तम चौथे भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और सप्तम भाव का जो स्वामी है और चौथे भाव का जो स्वामी है वो भी अच्छी स्थिति में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो तो वो भी अच्छी स्थिति कहलाएगी। और साथ साथ में जो कारक चंद्रमा भी बनता है वो भी आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो इस तरह से आपको माता का सुख और दूसरा सांसारिक सुख भी प्राप्त होगा। तो आज हमने जानकारी दी कि किस तरह से चौथे भाव में बैठने से जो ग्रह बैठते हैं उससे अनुसार शुभ ग्रह बैठने से और शुभ प्रभाव में होने से उच्च के मित्र राशि के होने से वो
सौ राशि, मिथ राशि, उच्च राशि में होने से वो माता का स्वभाव कैसा रहेगा तथा आपको और भी सांसारिक सुख, भूमि, वाहन का अच्छा प्राप्त होगा अगर वो आपकी कुंडली में चौथा भाव शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तथा चौथे भाव का स्वामी भी केन त्रिकोण में अच्छी स्थिति में हो तथा कारक चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में हो, तो आपको माता के सुख के साथ साथ में भूमि, वाहन आदि का भी सुख प्राप्त होगा। और उनके लिए आपको बताया गया है कि लग्न जो आपका है वो मुख्य ग्रह है, तो उसको उसको भी मजबूत होना चाहिए, वो भी कुंडली में केंद्र में त्रिकोण में सौ राशि के उच्च राशि का हो तथा उसको बलवान करने के लिए उसके मंत्रों के भी जाप करना चाहिए। आपके पांचों भाव से इष्ट देव को देखना चाहिए, तो वहां से आपको जैसे यहाँ सूर्य है तो सूर्य नारायण के, सूर्य भगवान की आपको पूजा अर्चना करना चाहिए, गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। आपकी बुद्धि के लिए हमेशा गणेश जी की आराधना कीजिए तथा गुरु और सूर्य सबको मजबूत करने के लिए आपको अपने से बुजुर्ग बड़े बूढ़े लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए जिससे कि गुरु मजबूत हो सके। तो ये आपको डेली दिनचर्या में लागू करना है। हनुमान जी की भी आराधना करना चाहिए जिससे कि वो आपको सब तरह की सुख सुविधाएं दे। तो इस तरह आपने देखा कि चौथा भाव का जो प्रभाव अगर अच्छा है तो किस तरह से आपको माता के सुख के साथ साथ में जो भी सांसारिक सुख है वो भी आपको प्राप्त होंगे। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेलीफोन से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज आपने हमारा वीडियो देखा, लाइक किया, शेयर किया, हमारी चैनल है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को उसको आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर से आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है क्योंकि आपने हमारी चैनल जो है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और हमारे वीडियो को भी लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।